हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कैबेज एंड कॉर्न की एक टेस्टी कटलेट्स की रेसिपी, जिसे देखते ही आप बनाना चाहेंगे। और ये इतना ज़्यादा टेस्टी एंड क्रिस्पी बनता है कि आप एक बार बनाएंगे तो फिर ये आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने पोहा ले लिया है, जो हम नॉर्मल पोहा यूज़ करते हैं पोहा बनाने के लिए। और इसे मैं एक मिक्सर ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसका हमें एक पाउडर बना लेना है। और आप चाहें तो चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, पर पोहा बनाने लेने से ये ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। और यहाँ पर मैंने कैबेज और कैरेट, इन सबको एकदम फाइनली चॉप कर लिया है फूड प्रोसेसर में। और इसके अलावा मैंने लिया उनकी कोई भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, पर मेन इंग्रेडिएंट इसका पत्ता गोभी है, जो कि हमने डाल दिया है इसमें। और पत्ता गोभी से ये क्रिस्पी बनेगा। और इसके साथ साथ मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज़, वो भी आपकी चॉइस है। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं पसंद करते हैं तो आप ग्रीन चिली अवॉइड कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़े से बेसिक फ्लेवर्स ऐड करेंगे। ये मैंने नमक डाला, और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, और साथ ही साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला। आप चाहें तो इसमें ऑरिगेनो डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, या कोई सॉस डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और ये अब मैं इसमें पोहा डाल रही हूँ, पोहे का पाउडर जो हमने बनाया था ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये जितना भी सब्ज़ी का मॉइस्चर रिलीज़ हुआ था, पोहा उसको मेंटेन कर देगा। और यहाँ पे मैं बाइंडिंग के लिए अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा बेसन। बेसन हमें बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये कटलेट नहीं पकौड़े बन जाएंगे। तो हमें पकौड़े नहीं कटलेट बनाने हैं। अब हम अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लेंगे एंड छोटे छोटे कटलेट्स रेडी कर लेंगे। इसे आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। हम इसे फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला है, क्योंकि इसमें बेसन पड़ा है, तो बेसन और सरसों का तेल एक साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे यहाँ पे। इसी तरह हम अपने बाकी के भी कटलेट्स को फ्राई कर लेंगे, रेडी कर लेंगे। और ये बहुत ही अच्छा बना था, एकदम बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। और इसकी एक और अच्छी बात थी कि ऑयल इसमें बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ था, अंदर तक बिल्कुल ऑयल नहीं गया था, तो ये मुझे अच्छा लगा इसको बनाने में। बाकी के कटलेट्स भी रेडी कर लिए थे। और आप चाहें तो इसको
डिनर में कबाब की तरह भी खा सकते हैं पराठे के साथ, और साथ में एक अच्छी सी धनिए की या पुदीने की चटनी बना के। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।